नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.4 इसका पहला प्रश्न आज हम कर रहे हैं। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो संख्या है x, ठीक है। अब बच्चों इसमें हम हर एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले था अमीना एक संख्या सोचती है, उसे हमने माना है x। वह इसमें से 5/2 घटाकर, किस में से? संख्या में से। संख्या कितनी है? x। तो x में से 5/2 घटाकर, ठीक है बच्चों, एक एक चीज का मतलब समझो और ध्यान से करो। x में से 5/2 घटाकर परिणाम को, यानी इसको घटाकर जो परिणाम आया, इसको 8 से गुना करती है। इसको 8 से गुना करती है, ठीक है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, यानी ये इसको पूरे को जो हल करके आया, यह किसके बराबर होगा? जो सोची गई संख्या थी x उसकी तिगुनी, यानी 3x। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वह इसमें से 5/2 घटाकर, हमने सोची थी संख्या, मान लो उसने x, उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। ये जो परिणाम आएगा x में से 5/2 घटाकर, इसको 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है, यानी इसको पूरी को सॉल्व करके जो परिणाम मिलेगा, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो x का तिगुना 3x हो जाएगा। अब हमें इसे हल करना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले देखिए क्या होगा। x -5/2 बराबर 3x, 8 इस पूरी ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, जब उधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x वाली रकमें इकट्ठी ले आएंगे, इकट्ठी कर लेंगे, बिना x वाली रकमें अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, ये भी x वाली रकम है और ये भी x वाली रकम है, तो इन्हें हम बराबर के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। x तो यहां पहले से है, वो ऐसे ही रहेगा। 3x प्लस 8 के साथ यहां प्लस का साइन है, जब ये बराबर के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बटा 8, माइनस का साइन इसके साथ लग जाएगा। इसी प्रकार से 5/2 यहां माइनस का है, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा और ये बन जाएगा प्लस, तो ये बन गया 5/2। अब हमें इसको हल करना है। यदि x के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब x के नीचे है 1। अब हम क्या करते हैं, 8 और 1 का लेते हैं लघुत्तम। 8 और 1 का लघुत्तम होगा 8। किसी भी संख्या का 1 के साथ लघुत्तम होता है वो संख्या खुद, तो 8 और 1 का लघुत्तम आया 8। अब हमें क्या करना होता है, इस 8 को, ये जो लघुत्तम आया, इसे नीचे वाली संख्या से भाग करो, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुना करो। देखो कैसे, 8 को 1 से भाग किया तो आया 8, इस 8 को ऊपर x से गुना कर दो तो आ गया 8x, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस, 8 को 8 से भाग करो तो आया 1, इस 1 को ऊपर 3x से गुना कर दिया तो आ गया 3x बराबर 5/2। आइए अब इसे आगे हल करते हैं। 8x में से 3x निकाल दिया, 5x बटा 8 बराबर 5/2। अब हमें x का मान निकालना है, इसलिए x को अकेला छोड़ देंगे। तो 5/2 यहां पे पहले से है, ध्यान से देखना, 5 इधर x के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, 8 इधर x के साथ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना। याद रहेगा बच्चों, 5 गुना हो रहा था उधर जाके 5 भाग हो गया, 8 यहां भाग हो रहा था तो उधर जाके 8 गुना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 5 से 5 कट गया, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, इसका मतलब 5 कट गया, 5 कट गया, 2 कट गया, बाकी कितना बच गया, 4। इसका मतलब x कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब x क्या था, संख्या थी जो अमीना ने सोची थी। तो अमीना द्वारा सोची संख्या
किसके बराबर है? 4 के बराबर है। यही हमारा उत्तर है। हमें यही निकालना था कि अमीना ने जो संख्या सोची है वो संख्या बताओ, तो उसने 4 संख्या सोची थी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी वीडियोस, बाकी एक्सरसाइजेस, बाकी प्रश्न देखने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस को YouTube से देख सकते हैं। धन्यवाद।